कैसा हो? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? सो सेव कैसे करते हैं? पहले तो था फाइल में जाके देखो, फाइल मैनेजर में सब होगा। हाँ यार, चेक किए थे अभी थोड़ा देर पहले था। जो फाइल मैनेजर, राहुल अब प्रेजेंटेशन शुरू करें। राहुल टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम्स। ठीक है, चलो आज शुरू करो। राहुल स्क्रीन शेयर किए सर? हेलो, दिख नहीं रहा है तुम्हें? स्क्रीन शेयर दिख रहा है तुम्हें? स्क्रीन आपको? शेयर नहीं सर, मेरे में तो नहीं। आई क्या बात कर रहे हो? बाकी लोगों को दिख रहा है कि नहीं इसका? एम राहुल कुमार, आई एम वेरी ग्लैड टू गेट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी Move my thought in front of you. My topic is cropping system, and I would like to share some content regarding cropping system, like definition, types, benefit, etc. So let's start the topic. Cropping system. Next, sir, कीजिएगा cropping system निकालिएगा. Skip कीजिएगा sir. Cropping system. It is an important component of a farming system. It represents cropping used on a farm and their interaction with farm resources, other farm enterprises, and available technology which determine their makeup. यह एक कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो पैटर्न प्लस नेक्स्ट इज आवाज नहीं है। अगर तुम अपना वीडियो ऑफ कर लो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। राहुल 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 क्लासिफिकेशन राहुल। हाँ सर, तुम अपना वीडियो ऑफ कर लो बेटा तो तुम्हारा बैंड भी ठीक हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है, स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, हाँ चलो शुरू करो। ओके सर, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। फर्स्ट इज मोनोक्रॉपिंग, सेकेंड इज क्रॉप रोटेशन, थर्ड इज सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, फोर्थ इज इंटरक्रॉपिंग एंड फिफ्थ इज रिले क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग, इट इज व्हेन द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो ओनली वन क्रॉप सीजन आफ्टर सीजन। एग्जाम्पल प्लांटिंग वेट ईयर आफ्टर ईयर इन द सेम फील्ड। मोनोक्रॉपिंग क्या है? यह तब होता है जब मौसम के बाद खेत में केवल एक ही फसल लगाई जाती है, जैसे कि गेहूं, साल दर साल गेहूं लगाया जाता है। सेकेंड इज क्रॉप रोटेशन, इट मीन्स चेंजिंग द टाइप ऑफ क्रॉप इन फील्ड इच सीजन और इच ईयर, और चेंजिंग फ्रॉम क्रॉप टू फेलो। एग्जाम्पल प्लांटिंग मैजे वन ईयर एंड विंस द नेक्स्ट। क्रॉप रोटेशन का अर्थ है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक मौसम या प्रत्येक वर्ष खेतों में उगाई जाने वाली फसलों का प्रकार या फसलों का अनुसरण करने के लिए बदलना। उदाहरण के तौर पर गेहूं लगाना, उसके बाद बीन्स यानी फलियां लगाना। थर्ड इज सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग टू क्रॉप्स इन सेम फील्ड वन आफ्टर द अदर इन द सेम ईयर। इसमें एक ही वर्ष के बाद एक ही फील्ड में दो फसलें उगाना उगाई जाती है। लंबी बारिश में लंबी बारिश के दौरान मक्का और कम बारिश के दौरान फलियां यानी बीन्स लगाई जाती है। फोर्थ इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इट मींस ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन सेम फील्ड एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल प्लांटिंग अल्टरनेटिंग रो ऑफ मैज एंड बीन्स और ग्रोइंग ए कवर क्रॉप इन बिटवीन इन सेरल रोज। इसका मतलब है कि एक ही समय में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें उगाना। एग्जाम्पल मक्का और बीन यानी फलियां की वैकल्पिक पत्तियों को रोपना और पंक्तियों के बीच एक कवर फसल उगाना, एक फसल के बाद अगली फसल उगाना। एंड फाइव रिले क्रॉपिंग,
इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वन क्रॉप देन प्लांटिंग अनदर क्रॉप यूजुअली ए कवर क्रॉप इन सेम फील्ड बिफोर हार्वेस्टिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल प्लांटिंग मेजे देन सोइंग बीइंग बिटवीन द मेजे रो फोर वीक्स लेटर यह एक फसल रोपण और अन्य फसल उगाने की प्रक्रिया है आमतौर पर एक ही खेत में पहली फसल की कटाई से पहले एक कवर फसल लगाई जाती है जैसे कि मक्का बोना और फिर चार सप्ताह बाद पंक्तियों के बीच फलियां बोना एंड लास्ट इज बेनिफिट्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम मेंटेन एंड इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ाना इनहेंस क्रॉप ग्रोथ फसल की वृद्धि को बढ़ाना मिनिमाइज स्प्रेड ऑफ डिजीज बीमारियों को फसल में लगने वाली बीमारियों को कम करना कंट्रोल बीट्स खरपतवार को कम करना इनहिबिट पेस्ट एंड इंसेक्ट ग्रोथ कीटों और कीट विकास को नियंत्रित करना एंड इंक्रीज सॉइल कवर मिट्टी के आवरण को बढ़ाना रिड्यूस यूज रिसोर्स फॉर इंटली संसाधनों और अधिक कुशलता से विकसित करना रिड्यूस रिस्क फॉर क्रॉप फेलियर फसल की विफलता के लिए जोखिम कम करना इम्प्रूव्ड फूड एंड फिनेंशियल सिक्योरिटी ETC खाद और वित्तीय सुरक्षा को सुरक्षित करना एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट दैट यू ऑल हैड provided during my presentation. I would request all of you to share any query and doubt if you have any doubt related to this topic. Thank you, sir. Okay, thank you. And this session is open for discussion and suggestions. Queries, discussions and suggestions. Your queries sir, are welcome. Sir, I have a question. You must ask. आपका मतलब टॉपिक भी बहुत अच्छा था आपने रिप्रेजेंट भी बहुत अच्छा से किया बट लास्ट में जो था रिले क्रॉपिंग वो ज्यादातर बिहार में होता है तो बिहार में उसके लिए कई कॉमन नेम है तो क्या आप कोई एक कॉमन नेम बता सकते हो रिले क्रॉपिंग का कौन है ये तो क्या क्वेश्चन क्या था बताओ रिले क्रॉपिंग का बिहार में कॉमन नेम है अल्टरनेटिव नेम्स इन बिहार पता है तुम्हें राहुल नहीं पता है तो टाइम नहीं बोलो नहीं पता है मैं बाद में बता दूंगा गूगल सर अरे गूगल सर्च हेलो सर हाँ बेटा नहीं पता हाँ सर इसका आंसर आप ही बता दीजिए चलो अमृता ही बताए नेटवर्क किरर है सर हाँ मालूम है बेटा नहीं मालूम हाँ बताओ सर पैरा एंड यूटेरा बोलते हैं जब धान का फसल मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम उसमें पल्सेज मतलब सो कर दे मतलब सोइंग कर देते हैं पल्सेज का ताकि वो पहले ग्रो हो सके यानी टाइम नहीं बच पाता है ना इसके बाद इसीलिए उसका कॉमन नेम है यहाँ पे पैरा और उटेरा बिहार में और ज्यादातर मोस्टली बिहार में ही किया जाता है और कहीं जगह इंडिया में नहीं होता है उड़ीसा में भी होता है रिले क्रॉपिंग हो जाता है कि मॉइस्चर को कंजर्व करने में हेल्प करता है समझे अगर कहीं मॉइस्चर होता है ना कि अगले क्रॉप को ग्रो करने का टाइम भी बच जाएगा और आपको मॉइस्चर भी कंजर्व हो जाएगा थोड़ा सा उस समय तक एक क्रॉप हार्वेस्ट होने वाला रहेगा तो उससे पहले ही आपको दूसरा क्रॉप जो है हम सोइंग कर देते हैं ताकि ये बड़ा हो तब तक हम वो काट ले ठीक है ये अगर रिले क्रॉपिंग होता है रिले क्रॉपिंग का नाम क्यों पड़ा रिले क्रॉपिंग रिले रेस से नाम पड़ा रिले रेस जानते हो यस सर एक उसको दिया एक रेस को 400 मीटर है तो 100 मीटर चार लोग दौड़ते हैं जब एक बैटन पास किया जाता है बैटन पास करने मतलब जैसे हम 100 मीटर पे पहुंचे अपने फ्रेंड को पास कर देंगे रिले रेस में नियम ये होता है कि जैसे वो दौड़ रहा है ना तो आएगा तो रुकेगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा ना
तो 10 मीटर के लास्ट के 10 मीटर में वो पहले 10 मीटर खड़ा रहता है, 90 मीटर में ही खड़ा रहेगा जो दूसरा पार्टनर रहता है, समझे। वो साथ में दौड़ेगा, जब स्पीड बराबर आ जाएगा तब उससे बैटन ले लेता है ताकि स्पीड मेंटेन रहे, समझे। तो ये इसी तरह से वो उसको शुरू किया जाता है, वही रिले क्रॉपिंग है, समझ में आया। यस सर। वही क्रॉप को मेंटेन करने के, स्पीड मेंटेन रहेगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा, मॉइस्चर भी बचेगा। और कोई क्वेश्चन पूछना? अब हम दे दे सर प्रेजेंटेशन मेरा मिल गया। हाँ हाँ तुम दे देना, पहले सा क्वेश्चन तो हो जाए, इसका सेशन तो हो जाए। चलो और बताओ, कोई है और क्वेश्चन पूछने वाला? हेलो, सर तो हम दे देते हैं। रुक जाओ, अभी पहले उसका क्वेश्चन का जवाब। सर सीक्वेंस क्रॉपिंग में हाँ, एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लगाते हैं या फिर दोनों क्रॉप, जैसे उन्होंने बोला कि एक ही साल में दो या दो से अधिक बार फसल लगाते हैं, तो एक के बाद लगाते हैं या फिर साथ में लगाते हैं? नहीं, साथ तो रिले हो जाएगा, रिले हो गया साथ। एक तरह तुम बोल सकते हो रिले क्रॉपिंग जो है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग है, बोल सकते हो। लेकिन मेनली सिक्वेंशियल में एक हार्वेस्ट हो गया तो दूसरा लगाते हैं, दूसरा क्रॉप लेंगे, फिर काटेंगे, फिर उसके बाद जब तो दो तीन क्रॉप अलग अलग तरह का एक सीक्वेंस में लिया जाएगा, एक ऑर्डर में लिया जाता है, समझे। yes, अगर ये ओवरलैप पीरियड को हटा दिया जाए रिले क्रॉप का, उसके बाद खत्म हो तब दूसरा लगाए, तो वो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग होगा। समझ में आया? yes, sir. और बताओ, और कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ राहुल, मैं पूछूं? हेलो। हाँ, क्रॉप रोटेशन। हाँ सर, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है? क्या सर? क्रॉप रोटेशन और सीक्वेंशियल, हेलो, डिफरेंस है क्या? डिफरेंस है सर? हाँ, सीक्वेंशियल में सर की साल में दो फसल लगाई जाती है, जरूरी नहीं है, तीन भी ले सकते हो। इंटरक्रॉपिंग सर? नहीं नहीं, सीक्वेंशियल एंड क्रॉप रोटेशन। सीक्वेंशियल में सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, इसमें तुम हमको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरक्रॉपिंग दिया तुमने, तुमने एक क्रॉपिंग छोड़ दिया, मिक्स्ड क्रॉपिंग छोड़ा है तुमने। ये तो मेरा टॉपिक था, क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग। नहीं नहीं, वो तुम्हारा टॉपिक था, लेकिन ये जब क्रॉपिंग सिस्टम बता रहा है तो इसको उसमें बताना होगा, तुम्हें तो एक्सप्लेन करना है उन चीजों को। यस सर, क्लासिफिकेशन। यस सर, क्लासिफिकेशन में आता है। हाँ, इसमें मिक्स क्रॉपिंग होना चाहिए ना। हम बताएं सर? नहीं सर, मिक्स को डिफाइन कर दीजिएगा सर, मिक्स डिफाइन। देखो, इंटरक्रॉपिंग होता है बेटा, एक क्रॉप लगाए फिर दूसरा क्रॉप, दोनों क्रॉप अलग अलग दिखेगा तुमको, अगर काटना हो तो दोनों काटना आसान होगा, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग अभी पता चल जाएगा। अभी जेबा का है ना क्लास, हम लोग जेबा क्लास में सीखेंगे अभी तब। जी सर, ठीक है, ओके ओके। अभी रुक जाओ बेटा, ओके सर, ठीक है, चलो ओके। अब हम लोग जेबा का लेक्चर सुनेंगे, इसको बहुत थैंक यू राहुल। सर हाँ, हम बताएं मतलब क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग, हम बताएंगे भाई। नहीं नहीं, रुक जाओ, अब जेबा का लेक्चर, जेबा का है सर, नया लेक्चर ऑन कीजिए, जेबा का लेक्चर, अब जेबा शुरू करेगी। ओके चलो शुरू करो जेबा, बात करना है सर, इसके बाद हमको भी करना है सर आज। हाँ? सर हाँ? हमको भी आज ही करना है सर। रुक जाओ जेबा का, देख लो टाइम बचता है तो फिर करा देंगे हम। सर थोड़ा सा आपको बता नहीं थे तो कल से थोड़ा सा बिजी। ठीक है बेटा, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो बोले करा देंगे अगर बचता है जेबा। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन, माइसेल्फ जेबा निशा फ्रॉम स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर केके यूनिवर्सिटी, एंड आई एम हियर फॉर my presentation, that is crop rotation and mixed cropping. So let's start crop rotation. So first of all, we take, we see about introductions of crop rotation.
क्रॉप रोटेशन इज एक्चुअली अ पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम फील्ड. दैट मीन्स इफ इन सीजन वन वी आर ग्रोइंग अ क्रॉप सी वन, देन इन सीजन टू वी चेंज इट विद क्रॉप टू, मतलब सेकेंड क्रॉप, अल्टरनेट क्रॉप, मतलब इन अल्टरनेट सीजन वी ग्रोइंग अ डिफरेंट क्रॉप्स. क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्व rotating plant families from one season to the next, so related crops are not planted in the same but more roughly 3 years in a row. What is the reason behind it? So it means if some crop is grown again and again on the same field, then same nutrients are extracted from soil again and again. So we should choose different crops so that all nutrients of soil are used. Typically, crop rotation means planting a specific family of crop in different location of your garden. Here are some benefits of crop rotation. We can see in this figure, it makes our soil more fertile, reduce the risk of crop failure in the event of drought or disease, control weeds, diseases, and pests, breaking their cycles and prevent erosion. Beginning of crop. Video बंद कर दोगे ना तो ancient eastern farmers. Yes sir. बोला वीडियो बंद कर दो. Yes sir. बोलिए. अपना वीडियो बंद कर दोगे तो तुम्हारा नेटवर्क सही हो जाएगा. अपना वीडियो बंद कर दो. वीडियो कहाँ चल रहा है सर? नहीं नहीं वीडियो तुम्हारा साइड में आता है ना, वीडियो बंद कर दो, अपना स्क्रीन शेयर रहेगा, वीडियो बंद कर दोगी इसमें नहीं. हमको नहीं पता सर कैसे करते हैं. ओके चालू करो, ओके करो. दिख रहा है ना सबको मेरा स्क्रीन? हाँ सब दिख रहा है. आवाज आ रही है ना क्लियरली? सब आ रहा है. चलो अब शुरू करो तुम. हाँ बिगिनिंग ऑफ क्रॉप रोटेशन. Ancient Eastern farmers practiced crop rotation in 6000 BC without understanding the chemistry of alternately planting legumes and cereals. British agriculturist Charles Townshend popularized this system in 18th century. Modern development. George Washington Carver are credited for its modern development, are credited for the modern development of crop rotation system. He studied crop rotation method in the United States, teaching southern farmers to rotate soil depleting crops like cotton with soil enriching crops like peanut and peas. It means simply he said the farmers to rotate the crops so that the same nutrients are not extracted from the soil again and again and make the soil a scarce of a particular nutrients. Crops used in crop rotation. In a crop rotation, we will cycle a different crops. For example, we cycle a cash crops by cover crops and then green manures. If we comes under the examples of cash crop, then we know that vegetables are examples of cash crops. Grasses and cereals come under cover crops and green manures included legumes, etc. Matlab, it means if we growing a vegetables in season one, then in next season we are growing grasses and cereals and then it's next we grown legumes. Crop rotation practice in India. In irrigated land, per millet is rotated with chicken pea, fodder, sorghum, and wheat. In the dry and light soil of Rajasthan, southern Punjab, and Haryana, and northern Gujarat, per millet is most often rotated with pulse like moth or mung bean, or is followed by fallow, sesame, potato, mustard, moth bean, and guar. This here are the figure crop rotation. If we see this figure, we find out that in year one, malt and barley are grown, and then it's in year two, spring and wheat, and after that, potato, and then malt barley. And
and in this in the same sequence the crop is rotating. Season one, even season one crop, nitrogen fixation crops are grown, for example coffee beans and soya beans. Then in season two we change with nitrogen loving feeders, for example potato, maize, pumpkin, tomato, cabbage, sweet chard, cauliflower and mustard, and then light feeders like onion, beetroot, carrot and leeks. सिंपली अगर देखें तो अगर सीजन वन में हम ऐसा क्रॉप्स को लगाना चाहिए जो क्रॉप जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा हो, जिससे सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज हो, और उसके बाद अगर सीजन टू में हम लोग नाइट्रोजन लविंग क्रॉप वैसे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जो सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे क्या होगा सॉइल में नाइट्रोजन का कहीं ना कहीं जो बैलेंस कहीं ना कहीं उसका जो अमाउंट रहेगा वो बैलेंस रहेगा अगर इस सीक्वेंस में क्रॉप को हम लोग ग्रोन करते. अगर हम पार्टिकुलर वन क्रॉप्स को ग्रो करें, फॉर एग्जांपल अगर पोटैटो ही हम पूरे सीजन ग्रो कर रहे हैं, सीजन वन, सीजन टू, सीजन थ्री, मतलब हर एक ईयर में हम पोटैटो ही ग्रो कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, जिससे एक समय के बाद सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होना लगेगी. These are the basic crop rotation, leaf, legumes, fruit and root, and these are crop rotation. Healthy crops is cycle with disease control. जीवा ना तुम्हारा आवाज आ रहा है ना तुम्हारा स्क्रीन. आ रहा है बेटा तुम्हारा आ रहा है तुम्हारा प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का संगीना. ओके चलो शुरू कर जीवा. The advantages of crop rotation: it maintains the fertility of soil, it controls pests and weeds by breaking their life cycle. Several crops can be grown in succession with only one soil preparation, and it reduces erosion, soil erosion. Some disadvantage of crop rotation systems are: it involves risk. Simply means if we does not understand the nature of crops we are alternating or rotating, it causes a risk of crop failures too. Improper implementation can cause much more harm than benefits, require more knowledge and skill. The difference in growing condition. Now here are the topic of mixed cropping. Mixed cropping is a system of sowing two or three crops together on the same line, one being the main crops and other be the subsidiaries. There are difference between mixed cropping and intercropping. I want to clear it. In mixed cropping, there is not a definite pattern of crops, but in intercropping, a definite patterns are shown. Growing of two or more crops simultaneously in the same field, for example, wheat and gram are growing. Wheat plus mustard, we can grow wheat with gram, we can grow wheat with mustard, etc. Crops are selected such that their nutritional benefits are different, so that they absorb the different nutrients from the soil and it reduces the competition between both the species. It is practiced in India, Malaysia, Indonesia, Afghanistan, South Africa, China, Central Europe, Canada, and Australia. Actually, this is the field of intercropping. It's not an example of mixed cropping, because in mixed cropping, a different pattern is not shown. The crops are grown. मतलब स्कैटरिंग टाइप का कुछ होगा, कोई डिफिनेट पैटर्न नहीं होगा कि यहाँ से क्रॉप वन है तो क्रॉप टू को हम आइडेंटिफाई अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक ही साइड से ग्रो कर रहे हैं, कोई डिफिनेट पैटर्न में ग्रो नहीं करेंगे. एडवांटेजेस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग: सोइल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी. ईच स्पीशीज मे हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू मोबिलाइज न्यूट्रिएंट्स. पैथोजेन एंड पेस्ट ससेप्टिबिलिटी इज डिफरेंट. Legumes can supply nitrogen, a stem support in canopy and root depth for water access and improve soil structure. Disadvantage are देखे को नीले सिग्नल लिए रे बेटा. हां म्यूट करो अपना राहुल, म्यूट करो. हां चलो. Disadvantages of mixed cropping: growth rate and optimal harvest date can differ.
because both are different species, their growth rate and the harvest time may be differ, their maturing time may be differ. So it causes a much more struggle of farmer. Special equipments may be needed. Competition for resources, they're growing on the same area. Matlab, in particular area, two different crops, more than two different crops are grown. Their roots are expanding under the soil and they compete for each other for the more spaces. So it can cause the competition. One species may host pathogen. Monitoring more than one species at a time to keep us with need, it is much more difficult. These are the figure, a short figure, which can clear our advantages and disadvantages too of mixed cropping. In box number one, we saw that if one crop fail, other crops may yield extra. This can reduce the crop failurity. Crops with complementary root system can exploit the soil more completely. Crops with complementary growth season can exploit light and water more completely. And in box two, more pest and disease crop are hidden between each other. Together, the crops will protect the soil from the action of sun, rain, and wind. And disadvantages are, it may require much more labor. As we see in the figure, the labor had to do much more struggle by weeding, by doing pruning, weeding, and harvesting the crops, as their time period of growing and their harvestings are different. In figure two, possibilities for mechanizations are limited. Matlab, proper tools and machines are required in mixed cropping. Thank you. Now, if anyone wants to ask some questions, they can. My presentation is completed. Thank you. Okay. Zeba is ready to answer your queries and discuss suggestions. Okay? Yes, sir. I have a question. Okay. Thank you, Amrita. You are the only one continuously asking questions. It was nice. No, everyone have to try this. Yes, sir. But I am in concern. Doubts. How crop rotation protect the soil erosion? How crop rotation protect the soil erosion? This is your question, yeah. Okay? Okay, thank you. Yeah. Now I'm going to explain it. I want to explain it in Hindi. So I am more comfortable in Hindi. Okay. जैसे कि क्रॉप रोटेशन में बताए थे, हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेट ग्रो करते हैं कुछ इस तरीके से कि एक दूसरे को बेनिफिट, मतलब वो सॉइल को बेनिफिटेड प्रोवाइड करें। कि अगर एक तरफ लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो अल्टरनेट कुछ ऐसा प्लांट को ग्रो करेंगे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करें या फिर उसको प्रोटेक्ट करें इन अदर वेज टू। तो अगर हम पहले केस में ऐसे क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं जिसका जो रूट्स है वो ज्यादा डेप तक नहीं जा रहा है मे बी, और अदर सीजन में कैसे क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं जो उसका रूट्स बहुत डेप्थ में है ताकि वो सॉइल को बाइंड किए हुए रहेगा और उसका जो कैनोपी सिस्टम होगा स्टेम का वो भी उसको प्रोटेक्ट कर रहेगा, जिस वजह से जो विंड के द्वारा इरोजन होगा या रेन के द्वारा इरोजन होगा वो हम मतलब प्रिवेंट कर सकते, रोक सकते हैं। बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने के कारण उनका जो रूटिंग सिस्टम है, उनका जो स्टेम का कैनोपी है, वो जो फील्ड पर ग्रो कर रहे हैं मतलब एक पैटर्न में स्कैटर्ड है, वो प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को सॉइल इरोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू बट आई हैव वन क्वेश्चन मोर। डोंट से जस्ट आस्क क्वेश्चन व्हेनेवर योर क्लियर्स आर क्लियर देन यू से थैंक यू। यस सर बट आई हैव वन just ask before saying thank you. You ask the question. Yes, sir. I have said thank you before. Okay, no problem. What is cash crop?
कैश क्रॉप मतलब वैसा क्रॉप जो जनरली इकोनॉमिक पर्पस के लिए कैश क्रॉप विल कम विल बी प्रेजेंटेड बाय समवन एल्स ओके दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ टॉपिक नो प्रॉब्लम एनीवन कैन जेबा विल आंसर बट प्रेजेंटेशन ओके जेबा यस सर रिप्लाई इफ यू नो वेजिटेबल्स आर द कैंपस ऑफ कैश क्रॉप वेजिटेबल्स हो गया या फिर कोई ऐसा क्रॉप जो कि एनी क्रॉप दैट इज ग्रोन फॉर सेलिंग इन मार्केट ओके नॉट फॉर सेल्फ यूज नॉट फॉर सेल्फ यूज इफ यू आर ग्रोइंग दैट दोस क्रॉप्स फॉर सेलिंग इन मार्केट दोस आर नोन एज कैश क्रॉप्स ओके 100% प्रोड्यूसर सरप्लस नेक्स्ट क्वेश्चन Okay, Zeba. Yes, sir. Nice presentation, but I have question. Yes, sir. Yes. हाँ बोलिए sir. What is relation between intercropping, mixed cropping, sequential cropping, and cropping crop intensity? Cropping intensity. Uh-huh. Okay. Relation. You have to say, no need to define these things. कि हमको डिफाइन नहीं करना चाहिए था ये सब नहीं हाउ विल इंटरक्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड सीक्वेंशियल क्रॉपिंग अफेक्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी यू नो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब वही ना कैनोपी सिस्टम ऑफ क्रॉप्स ना नो घेरा हुआ जमीन को क्रॉपिंग इंटेंसिटी Anyone knows? Raising the number of crops. Can I give this? Crops per year. Hello, sir. Yes, sir. वो percent में distribute किया जाता है. आवाज ही नहीं है network problem हो रही है I think. उत्तर बहुत रहा है किसके पीछे? पता नहीं ये तरफ नहीं है कोई. इसका कुत्ता भौंक रहा है अंशुल का खुला हुआ सर ना जेबा जेबा सिर्फ अभी ये करके रखेगी अपना म्यूट रखेगी ओके ओके सर अब बोलिए हाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसको बोलते हैं कि पर ईयर में उस फील्ड में कितने क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उसके मतलब उन दोनों क्रॉप्स के बीच के डिस्टेंस वगैरह कुछ होगा परसेंट करके बोला जाता है सो परसेंट में डिफाइन किया जाता है जैसे एक साल में सिर्फ एक क्रॉप ले रही हो तो 100% उसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ठीक है एक साल में अगर दो क्रॉप ले रही हो लेकिन एक के बाद दूसरा हाँ तो 50-50% तब वो 200% होगा लेकिन एक ही फील्ड में एक ही समय में इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग लेके दो क्रॉप ले रही हो तो उसको एक ही क्रॉप माना जाता है ठीक है एक ही क्रॉप माना जाता है तो क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा उससे लेकिन सिक्वेंशियल क्रॉपिंग से वो बढ़ जाएगा हाँ ठीक है यस सर हाँ तो इंडिया का कितना है क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किस स्टेट का इंटेंसिटी है क्रॉपिंग इंटेंसिटी है पंजाब सर पंजाब पंजाब इंडिया में बिहार का सबसे ज्यादा है बिहार का हाँ देखो कितना है अभी एक्सैक्ट परसेंट देखो 143 या 144% होगा बिहार का और 134% होगा इंडिया का एवरेज अब हो गया हो तो एग्जैक्ट अभी देखना yes, sir. में क्या है ठीक है जी सर हाँ अभी उस दिन से पहले तो बिहार ही था नंबर वन पे ठीक है यस सर ओके सर बोलो हमको भी शुरू करो स्क्रीन आ गया हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मैम एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ केके यूनिवर्सिटी टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट माय असाइनमेंट एंड टॉपिक इज बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ उरद बीन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स बॉटनिकल नेम बिकॉज एवरीवेयर इन होल वर्ल्ड
every state, every country we are gone, local name has been changed, but botanical name does not change. So its botanical name is Vigra mungo. And in Simlo names are Urud, Biri. Its origin is in India. In India, we are also known as black gram. In India, Urad bean also known as black gram. In India, black gram is one of the most pulse crop growth in all India. Okay? It is consumed in the form of dal in India, and it is a very nutritive fooder, especially for milch animals. Milch animals means those animals who produce milk. It is also a green manure. It is a high valuable of lysine, make urad bean an excellent complement of rice in terms of balanced human nutrition. In nutrition value in urad bean are protein, it is about 24%, and fat is about 1.4%, minerals it all about 3.2%, fiber 0.9%, carbohydrates are present in 59.6%, calciums are these are the showing the figures of the percent of nutrition in urad bean. The second thing we are talking about urad bean, the second topic of is climate requirement. Being a crop of tropical season, it require hot and humid climate. It means that in summer seasons and kharif seasons crops for best growth. It is a basically a warm weather crop. In north part of country where the temperature during winter are quite low, it is the cultivated generally during the rainy season and summer seasons. In eastern state, it also grown in winters, during winters. मतलब अगर हम लोग बात करें तो in northern parts में क्या होता है, जब winter का time आता है तो वहाँ पे temperature बहुत ज़्यादा थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग cultivate करते हैं rainy season या summer seasons में बात करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग eastern state का बात करें, मतलब इंडिया के east part का बात करें, तो वहाँ इसको हम लोग winter के दौरान grow करते हैं. ठीक है, अगर हम लोग बात करें सेंट्रल और साउथ स्टेट्स का, तो इसको हम लोग मतलब वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है क्लाइमेट्स में. ठीक है, तो इसको हम लोग विंटर और रेनी सीजन्स में कल्टीवेट करते हैं उधर. अगर हम लोग सॉइल्स प्रिपरेशन का बात करें, सॉइल्स प्रिपरेशन कहने का मतलब कि वैसे सॉइल्स हमें चाहिए जहाँ पे इसको हम ग्रोन कर पाए, मतलब वैसा फील्ड प्रिपरेशन जहाँ पे इसका हमको मतलब वेस्ट मिले अच्छा सा. ठीक है, आवाज आ रही है, लेकिन तुम्हारा टॉपिक तुम लोग क्या सर, डिस्क्रिप्शन होता है प्लांट के बारे में बताना है, कल्चर उसको ग्रो नहीं करने के लिए. बात समझ में आया मेरा? अच्छा अच्छा, वो बताएंगे सर, इसके बाद बता देंगे. हां चलो शुरू करो. अच्छा, ये बनाए तो ब्लैक ग्राम को, इट इज अ ग्रोन इन द वैरायटी ऑफ सॉइल रेंजिंग बिटवीन सैंडी सॉइल एंड हेवी कॉटन सॉइल्स. ठीक है, तो इसका जो मोस्ट आइडियल सॉइल है उसको मतलब हम लोग इसको जिसका पीएच वैल्यू 6.5 से 7.8 के बीच में रहता है. ठीक है, देखिए इसको हम लोग अल्कलाइन और सैलिन सॉइल्स में ग्रोथ नहीं कर सकते. ठीक है, लैंड इज प्रिपेयर लाइक एनी अदर खरीफ क्रॉप्स पल्स क्रॉप. ठीक है, और ये जो हम लोग इस पर बात करें तो इसको हम लोग ड्यूरिंग समर इट रिक्वायर थ्रू प्रिपरेशन टू गिव अ पल्वराइज्ड free for stubs and wait completely. अगर हम लोग बात करें इसका sowing time and method का, तो खरीफ अभी समर का. ठीक है, तो in खरीफ season sowing is done with the onset of monsoon in later part of June or early part of July. मतलब अगर हम लोग बात करें तो जून के last part से जुलाई के earlier part, मतलब जून खत्म और जुलाई start हो, उसी period में खरीफ season में इसको हम लोग sowing करते हैं. अगर रबी का बात करें तो second fortnight of October, second fortnight of November के बीच में. ठीक है, अगर हम लोग समर का बात करें तो सोइंग कुड बी डन फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ द फरवरी टू द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. तो इट इज स्टार्टिंग बिटवीन समर इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी, मतलब इन द मिड ऑफ फरवरी टू द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. सोइंग शुड बी डन इन द ओपन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20-25 सेंटीमीटर. इट मींस दैट कि जो हम लोग सोइंग कर रहे हैं उसका डिस्टेंस अबाउट 20-25 सेंटीमीटर मिनिमम रहना ही चाहिए. ठीक है, सीडिंग ड्रिल कुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस. इसलिए हम लोग इस पे सीड ड्रिल करते हैं, सीड ड्रिल का यूज करते हैं. ठीक है, अगर हम लोग सीडिंग रेट का बात करें या स्पेसिंग का बात करें तो खरीफ का बात करें तो खरीफ सीजन में 12-5 केजी हम लोगों को सीड चाहिए पर हेक्टेयर. द क्रॉप्स विल बी शोन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30-45 सेंटीमीटर विद 10 सेंटीमीटर. अगर हम लोग बात करें तो इसका डिस्टेंस होगा 30-35 सेंटीमीटर का दूरी हो. ठीक है, और प्लांट का जो स्पेसिंग हो वो लगभग 10 सेंटीमीटर का हो, मतलब जो लोअर पार्ट है वो 30-45 सेंटीमीटर हो, पर जो अपर पार्ट है उनके बीच में भी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. अगर हम लोग रबी सीजन का बात करें तो इसमें हम लोग को 80-20 केजी सीड चाहिए पर हेक्टेयर. ठीक है,
और ये इसका भी इसका जो ज्योमेट्री है क्रॉप का वो 30 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। हायर सिटी ग्रेड अगर होगा तो राइस फॉलन इज यूज ड्यू टू डिलेड इन सोइंग, ठीक है। अगर हम लोग समर का बात करो, समर में हमको 20-25 केजी सीड चाहिए हर एक पर हेक्टेयर के लिए, ठीक है। प्लांटिंग टू प्लांटिंग स्पेस जो होना चाहिए वो कम से कम 5-8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हम लोग जो सोइंग करना है वो डिपेंडिंग करता है टाइम पे और उसके वैराइटल बिहेवियर पे, उसका जो वैरायटी हम लोग ले रहे हो उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। अगर हम लोग सीड ट्रीटमेंट का बात करें तो सीड ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं वो यहाँ पे थायरम है जो 2 ग्राम होगा और कार्बेंडाजीम जो 1 ग्राम होगा, ठीक है। तो सीड को सीड टू कंट्रोल द सॉइल एंड सीड जर्मिनेटिंग डिजीजेस, तो इसको हम लोग जो सीड जर्मिनेटिंग डिजीज है ना उसे ट्रीट करने के लिए हम लोग ये इसको यूज करते हैं, ठीक है। फॉर सकिंग पेस्टिसाइड कंट्रोल सीड ट्रीटमेंट विथ अगर विथ इमिडाक्लोफिराइड सीड्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिजायरेबल टू ट्रीट द सीड विथ राइजोबियम एंड PSB कल्चर, ठीक है। अगर फर्टिलाइजर का बात करें तो फॉर सोल क्रॉप 15 टू 20 केजी पर हेक्टेयर चाहिए नाइट्रोजन, 40 टू 50 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर चाहिए हम लोग को फास्फोरस, 30 टू 40 केजी हेक्टेयर चाहिए पर पोटास, 20 केजी पर हेक्टेयर चाहिए सल्फर। इट्स विल बी अप्लाइड एट अ टाइम ऑफ लास्ट हेलो हां हो गया, हमको लग रहा सर कि मेरा कनेक्शन छूट गया। किसका? नहीं कोई कनेक्शन नहीं छूटा, चलो चल रहा है, सही चल रहा है। हम लोग बात करें तो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है बेटा, ये एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है। नहीं फिर एक बार बोलूं, हम स्क्रीन का बात कर रहे हैं सर, स्क्रीन का बात। हाउएवर फॉस्फोरिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड एज पर सॉइल टेस्ट वैल्यू। जो सॉइल टेस्ट वैल्यू है मतलब जो सॉइल का जो टेस्ट है उसका हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे उसके हिसाब से हमको उसमें फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर का यूज करना है, ठीक है। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड बाय ड्रिलिंग आइदर एट द टाइम ऑफ सोइंग, तो हम लोग फर्टिलाइजर उसको यूज करेंगे, उसको अप्लाई करें ड्रिलिंग से जब हम लोग सोइंग कर रहे हैं तब, या सोइंग से पहले, जिससे क्या होगा जो हम इन सच अ वे दैट दे आर प्लेस अबाउट 5-2 सेंटीमीटर बिलो द सीड्स, ठीक है। तो वो हम जब उसको यूज करें तो सीड के 5-6 सेंटीमीटर बिलो मतलब नीचे ही करें, ठीक है। यूज ऑफ जिप्सम 100 kg पर हेक्टेयर वुड इंश्योर एबिलिटी ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर एट इकोनॉमिकल रेट, ठीक है। अगर हम लोग वाटर मैनेजमेंट का बात करें तो खरीफ सीजन में इरिगेशन हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं होता है। इफ रेनफॉल इज नॉर्मल इट इज अ मॉइस्चर डिपेंड एट द पॉट फॉर्मेशन स्टेटेड इरिगेशन शुड बी अप्लाई, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे हम लोग इरिगेशन करने का जरूरत नहीं है कि अगर हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर इतना होता है कि मतलब उसके मतलब इरिगेशन का वहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अगर हम लोग समर का टाइप बात करें तो समर में हम लोग को 3-4 बार इरिगेशन करना पड़ता है क्रॉप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें जनरली द क्रॉप्स विल गेट इरिगेटेड एट द इंटरवल ऑफ 10-5 डेज, मतलब 10 से 15 दिन के इंटरवल्स पे हम लोग को इसको इरिगेट करना पड़ता है, ठीक है। फ्रॉम फ्लावरिंग टू पॉट डेवलपमेंट स्टेज देयर इज अ नीड ऑफ सफिशिएंट मॉइस्चर इन द फील्ड। जब फ्लावरिंग से पॉट के डेवलपमेंट स्टेज में ये जो स्टेज है जब फ्लावर से पॉट बनता है तो इस समय क्या होता है ना कि हम लोग को सफिशियंट मॉइस्चर उस फील्ड में बनाए रखना है। हम लोग वीट कंट्रोल का बात करें तो one or two hand weeding should be done up to 40 days of sowing depending upon the weed intensity. Weed can be controlled by using of chemicals too. जैसे कि हम लोग उसके कौन कौन केमिकल वहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं pentimethanin, ठीक है, kg per hectare in 400 to 600 liter of water as pre-emergence application. अगर हम लोग प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स का बात करें तो देयर आर सर्वर इंपॉर्टेंट डिजीज, ऐसा बहुत सारे डिजीज है जो कि उरद बीन में होता है जिसको हम लोग ब्लैक ग्राम बोलते हैं, जैसे कि येलो मोजैक वायरस, ठीक है, उसके बाद पॉडरी मिल्डियो लीफ ब्लाइंड ETCR दे इंपॉर्टेंस बन। देखिए यहाँ पे कुछ डिजीज है जैसे कि यहाँ पे हो गया येलो मोजैक वायरस, इसका सिम्टम्स हो गया कि आपको डिजीज, ये डिजीज में क्या होता है कि मूंग बीन येल्लो हो जाता है, जैसे कि ये देखिए प्लांट्स में आपको देखने को मिल रहा होगा ये, ठीक है, तो ये इस ग्रुप का वायरस की वजह से होता है, ठीक है, जो कि एक व्हाइट फ्लाई होता है उसके वजह से ट्रांसमिट होता है मतलब फैलता है एक प्लांट दूसरे प्लांट, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो लीव होता है टेंडर लीव स्विंग येलो मोज़ेक स्पॉट्स विच इंक्रीज विद द टाइमिंग टू लीड कंप्लीट येलो। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे येलो येलो स्पॉट्स दिखेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो पूरे कंप्लीट येलो हो जाएंगे, ठीक है। येलोइंग लीड्स टू लेस फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर फ्लावरिंग कम होगा पॉट डेवलपमेंट बहुत कम होगा, ठीक है। येलर इफेक्शन अगर हम लोग को दिख जाए तो इससे क्या होगा, प्लांट मर भी सकता है। इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल मेजर्स में देखिए डिजीज प्लांट्स विल बी
रॉगेट आउट टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेडशन ऑफ डिजीज, बिकॉज जिस प्लांट को हो गया उसको हटा दिए क्योंकि फर्दर डिजीज ना फैले. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट व्हाइट फ्लाई, आप लोग उसको व्हाइट फ्लाई से बचा के रखिए. ठीक है, यही सब इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. इन्फेस्टेशन स्प्रे विद ट्री ट्राइजोफिस, ऐसे कुछ मेडिसिन है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और उस पर स्प्रे करेंगे तो इसे बचा जा सकता है येलो स्टेज में. जैसे यहाँ पे एक है मालाटिनोन टियोन ऑक्सीडीमेंटोन. ठीक है, इसके अलावा एक और डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं पॉडरी मिल्डियो. देखिए इस डिजीज का सिम्टम क्या होता है बाबू, इसमें अपेयरेंस होता है प्लांट्स के सारे पार्ट्स पे, आप देखिएगा वाइटली देखिए ऐसा कुछ हो जाता है स्पॉटेड. तो इसमें डिजीज में क्या होता है, डिजीज अपेयर ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एवब सॉइल सर्फेस, वैसे पार्ट्स जो सॉइल सर्फेस के ऊपर है प्लांट्स के उन सारे पार्ट्स पे आपको ये देखने को मिलेगा. देखिए इस डिजीज में क्या होता है कि एक इनिशिएट करता है फेड डार्क स्पॉटेड विच डेवलप इनटू स्मॉल व्हाइट पॉडरी. तो यहाँ पे फेड डार्क स्पॉटेड आपको देखेंगे जो धीरे धीरे स्मॉल व्हाइट पॉडरी स्पॉटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाइट पॉडरिंग का कोडिंग हो जाता है लीव्स स्टीम और पॉट्स के ऊपर. एट द टाइम ऑफ एडवांस स्टेट द कलर ऑफ द पॉडरी मस्ट टर्न डर्टी व्हाइट. तो अगर अभी जब ये जैसे जैसे बीमारी बढ़ता है ना तो वैसे वैसे मतलब इसका ये जो व्हाइट पॉडरिंग है वो बढ़ता है और ये जाके डर्टी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है. देखिए डिजीज इंक्लूड फोर्स्ट मैच्योरिटी ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट हेवी यील्ड लॉसेस एंड इंटेंसिटी इंक्रीज इन स्ट्रेस कंडीशंस. इसको भी मेजर्स कंट्रेंगे कुछ कंट्रोल, इसके भी कंट्रोल मेजर्स कुछ दिए गए हैं. Adopt clean cultivation by destroying diseased plants. देखिए आप क्या करें, जो प्लांट को पहले बीमारी हो चुकी है वो सबको डिस्ट्रॉय कर दे. ठीक है, डिले सोइंग ऑफ मूंग बीन्स एंड उरद बीन विद वाइडर स्पेसिंग कंसिडरेबली रिड्यूस द डिजीज सिवायटी. मतलब उसके बाद ऑप्ट फॉर रेजिस्ट वराइटीज एज पर रिकमेंडेशन ऑफ लोकल एग्रीकल्चर अथॉरिटीज उरद बीन. तो ये सब उसके कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं जो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं कि हम वहाँ पे कौन कौन सा चीज यूज कर सकते हैं इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, कौन कौन सा स्प्रे वहाँ पे यूज कर सकते हैं. उसके अलावा एक प्लांट का डिजीज और है, इसमें होता है लीफ ब्लाइंड. इसका सिम्टम क्या होता है, इन प्री इमर्ज स्टेज द फंगस काउस रेट्स रॉट एंड मोर्टिलिटी ऑफ जर्मिनेटिंग सीडिंग. ठीक है, इन पोस्ट इमर्जिंग स्टेट सीडिंग ब्लाइंड डिजीज अपीयर ड्यू टू द सॉइल और सीड बॉर्न इन्फेक्शन. द फंगस अटैक द स्टीम एट ग्राउंड लेवल forming localized dark brown patches which with coalesce and encircle the stem. Black dots like sclerotia are formed on the surface and below the epidermis on the outer tissue of the stem and root. The pathogen is favored at the temperature 30 degrees Celsius and 50% moisture. तो इसमें आप अगर temperature 30 degrees Celsius होगा और 15% moisture होगा तो pathogen बहुत ज़्यादा उसके लिए favorable condition है. Pathogens are the those who मतलब pathogens are the disease causing agents. तो जो disease cause कर रहा है leaf blind वो pathogen है, उसके लिए बहुत ज़्यादा favorable condition है. तो उसको उस बीमारी को भी control करने के लिए कुछ measures दिए हुए हैं. Basal application of zinc sulfates. अगर हम लोग उसको कंट्रोल करना है तो हम लोग का जिंक सल्फेट का वहाँ पे एप्लीकेशन करना है जो कि 25 केजी पर हेक्टेयर होगा या नीम के का. ठीक है, उसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये सब इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट देखे टोबैको कैटरपिलर एफाइड्स. तो ये सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि मैंने तुम्हें होस्ट बनाया है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम इसको आगे कर लो. ठीक है, इसको इसके बाद तुम इसको कर लेना. ओके ओके, प्रोसीड कर लेना, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ. ओके, तो संबर को लिखेगा सर इसका मार्क्स. ओके, एप हाइट्स एक इंसेक्ट है नीम.